फैशन, तो क्लियरली आपको बैकग्राउंड देख के पता चल ही गया होगा, आइडिया तो हो गया होगा कि मैं आ गई हूँ डाउनटाउन कैफे एंड लाउंज पे होशियारपुर में। ये काफ़ी न्यूली ओपनड है, यहाँ का अच्छा अच्छा खाना आज मैं आपको दिखाऊंगी। इंस्टाग्राम पे मैंने एक पोल डाली थी कि मुझे पहले कहाँ की वीडियो बनानी चाहिए, डाउनटाउन कैफे की या पापा विस्की की, तो दोनों को इक्वली वोट्स मिले थे, तो मैंने सोचा चलो डाउनटाउन कैफे की पहले वीडियो बना लेते हैं। तो मैं आ गई हूँ, अब यहाँ पे अंदर चलते हैं, काफ़ी अच्छा बना हुआ है, इनका खाना देखते हैं, इनकी एस्थेटिक देखते हैं कैसी है, जगह कैसी है। चलो लेट्स गो इनसाइड। जैसे कि आपने देखा मैं आ गई हूँ डाउनटाउन कैफे एंड लाउंज, आप सबकी ह्यूज रिक्वेस्ट पर, जब से ये ओपन हुआ है काफ़ी रिक्वेस्ट मुझे आ रही थी इसको ट्राई करने के लिए इंस्टाग्राम पे, तो मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ से ऑर्डर कर ली हैं। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या ऑर्डर करा है। मैंने इनसे ऑर्डर कर लिया है एक मार्गरीटा पिज्ज़ा, इट्स अ क्लासिक मार्गरीटा पिज्ज़ा, ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड इसमें चीज़ की जो खुशबू आ रही है ना मैं क्या ही बताऊँ। उसी के साथ मैंने ऑर्डर कर लिया है एक रेड सॉस पास्ता, अगेन मुझे रेड सॉस पास्ता ज़्यादा पसंद है तो मैंने वही ऑर्डर करा है एंड इसमें मुझे काफ़ी सारी वेजेस दिख रही हैं विच इज़ अ गुड थिंग। इसी के साथ आई हैव ऑर्डर्ड अगेन मेरे मोमोज लवर्स के लिए मैंने डिमसम्स ऑर्डर करे हैं, इतने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, इसमें ये बैम्बू बास्केट में सर्व करते हैं विच आई लाइक लग है। तो भाई ये चीज़ें मैंने फिलहाल के लिए ऑर्डर करी हैं, अभी इनको ट्राई करके देखते हैं इनका टेस्ट कैसा है। सबसे पहले तो आपको पता ही है अभी पिज्ज़ा लवर्स के लिए एंड खुद के लिए मैं पिज़्ज़ा ही ट्राई करूँगी, जो देखने में मुझे बहुत ही ज़्यादा एपेटाइजिंग लग रहा है। सो लेट्स ट्राई द पिज्ज़ा फर्स्ट, बहुत ही थिन बेस है इसका, इट्स अ थिन क्रस्ट पिज्ज़ा। ओके लेट्स ट्राई दिस, बहुत ही थिन बेस है इसका, सेट इसका बेस काफ़ी ज़्यादा थिन है एंड इसमें मोज़रेला चीज़ काफ़ी सारा डाला हुआ है। सॉस की अगेन क्वांटिटी काफ़ी सही है, ज़्यादा खट्टा खट्टा नहीं लग रहा मुझे, लाइक बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, फ्रेश बेस है, एकदम थिन बेस है, इसलिए मुझे और अच्छा लग रहा है। तो थिन क्रस्ट है ना उसकी वजह से हम बेस का या डो का ज़्यादा टेस्ट नहीं आ रहा एंड सॉस की क्वांटिटी जस्ट राइट अमाउंट है एंड इस पिज़्ज़ा की कॉस्ट है 280 रुपीज़ विच अगेन आई थिंक इज प्रिटी अफोर्डेबल एंड इसमें आपको 8 स्लाइसेस मिलेंगे, सो यू गेटिंग अ लार्ज साइज पिज़्ज़ा फॉर 280 रुपीज़ विच इज़ क्वाइट इकोनॉमिकल आई गेस, उस हिसाब से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा पास्ता हम अपने लिए प्लेट में सर्व कर लेते हैं, इसमें वेजीज़ की क्वान्टिटी काफ़ी अच्छी है, सीजनिंग बहुत सारी डाली हुई है, ऊपर से मुझे काफ़ी सारा ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स दिख रहा है, तो मुझे लगता है अच्छा होने वाला है, इसको ट्राई करके देखते हैं। इसको भी ट्राई करके देखते हैं, देखने में काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। भाई मुझे तो रेड सॉस पास्ता बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको कौन सा पास्ता ज़्यादा पसंद है, रेड सॉस वाला या वाइट सॉस वाला, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। लेट्स ट्राई दिस, सॉस की क्वांटिटी बहुत सही है, ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, जो बहुत ज़्यादा सॉस होती है ना वो भी अच्छा नहीं लगता, खट्टा खट्टा लगता है काफ़ी, बट इसमें सॉस की क्वांटिटी बहुत ही सही है, इसमें ओरिगैनो का फ्लेवर इतना अच्छा आ रहा है, जो वेजिटेबल्स हैं उनका क्रंच एकदम मेंटेन्ड है, कैप्सिकम थोड़ी सी रॉ है जो अच्छा लग रहा है। इन्होंने पास्ता को थोड़ा सा अंडर कुक रखा है, जैसे हम कई जगह पे पास्ता को आल डांटे कुक करते हैं, मुझे वैसे पास्ता अच्छे से कुक हुआ पसंद है, वही चीज़ मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी, बाकी इनका पास्ता काफ़ी टेस्टी है। सॉस के फ्लेवर्स बहुत ही अच्छे हैं, हल्की सी इनकी जो सॉस है वो स्वीट साइड पे है, वो अच्छा लग रहा है, वो जो सावरनेस है उसको बैलेंस कर रही है। पास्ता अगर थोड़ा सा और कुक्ड होता तो मुझे और भी अच्छा लगता, बट अदरवाइज इट्स गुड, सॉस की वजह से जो पास्ता है उसका बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। एंड इसकी प्राइस है 200 रुपीज़, क्वान्टिटी काफ़ी डिसेंट है, ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है। अभी अपनी थर्ड डिश भी ट्राई कर लेते हैं विच इज़ डिमसम्स, डिमसम्स जिन जिनको पसंद है वो ज़रूर लाइक कर देना इस वीडियो को एंड लेट्स ट्राई दिस। बैम्बू बास्केट में इन्होंने डिमसम सर्व करे हैं जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, सो लेट्स ओपन दिस। तो भाई इसमें आपको 8 पीसेस डिमसम्स के मिलेंगे एंड इसकी प्राइस है 150 रुपीज़, अगेन इट्स क्वाइट इकोनॉमिकल, हम इनके प्राइजेस तो हर चीज़ के काफ़ी डिसेंट हैं। सो लेट्स टेक 2 पीसेज ऑफ आर डिमसम्स, मैंने नॉर्मल स्टीम वेज डिमसम्स ऑर्डर करे हैं, आपको थोड़ी सी मोमोज वाली जो अपनी स्पाइसी वाली चटनी होती है वो मिल जाएगी, सो इसको भी टेस्ट करके देखते हैं। पहले इसको थोड़ा सा खोल के देखते हैं इसकी फिलिंग कैसी है, तो इसका जो आउटर कवरिंग है ना वो तो काफ़ी थिन है विच आई लाइक, बहुत ज़्यादा मोटा मोटा नहीं है, इसमें काफ़ी सारी वेजिटेबल्स इन्होंने फिल करी हुई हैं, तो अभी इसको टेस्ट करके देखते हैं। सो लेट्स टेस्ट दिस, मैं ज़्यादा चटनी नहीं लगाऊंगी, मुझे स्पाइस थोड़ा कम पसंद है।
में आपको ना मैदे का टेस्ट ही नहीं आएगा, इतनी ज़्यादा पतली कवरिंग है मैदे की। एंड अंदर जो वेजिटेबल्स है ना वो पूरी तरह से ऐसे मैश नहीं करी हुई, हल्का हल्का उनका क्रंच आ रहा है, जो कैबेज का और कैरेट का क्रंच आ रहा है ना वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इतने टेस्टी है ना कि मैं एक बाइट खा के रुक ही नहीं सकती। चटनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है तो मैं इसको खा सकती हूँ आराम से। थोड़ी सी हम चटनी लगाते हैं। डिमसम्स की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। मैं बहुत जगह मोमोज खाती हूँ तो मुझे कहीं पे भी इतने ज़्यादा पसंद नहीं आते, बट लेट मी टेल यू यहाँ के मोमोज इतने टेस्टी हैं ना, अगेन मोमोज यहाँ के डिमसम्स इतने टेस्टी हैं ना कि मैं दोबारा जब भी मैं डिमसम्स खाऊंगी तो यहीं आके ट्राई करूँगी, मुझे बहुत ही अच्छे लगे। अगर आप डाउनटाउन कैफे आते हो तो जो एक चीज़ आपको मस्ट ट्राई करनी चाहिए दैट वुड बी द स्टीम्ड डिमसम्स। मैंने वेज डिमसम्स ऑर्डर करे थे, ज़रूर लेना, बहुत ही अच्छे हैं। इनकी जो चटनी है ना वो थोड़ी सी स्वीट साइड पे है, तो जिनको स्पाइस इतना ज़्यादा पसंद नहीं है ना उनको तो बहुत ही अच्छी लगेगी, इसीलिए मैं एक पीस और लेने वाली हूँ, मुझे तो बहुत टेस्टी लगेगी। तो मुझे भी पिज्ज़ा काफ़ी पसंद आया, थिन क्रस्ट पेस है विच आई लाइक। पास्ता वॉज ओके, इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया मुझे, द सॉस वॉज गुड बट थोड़ा सा ज़्यादा कुक्ड होता तो अच्छा लगता, बट द मोमोज आर अल्टीमेट, बहुत ही टेस्टी हैं। तो मोमोज लवर्स को यहाँ आना पड़ेगा, इनके डिमसम्स ट्राई करने पड़ेंगे। अभी फाइनली हमारा डिज़र्ट भी आ चुका है, डिज़र्ट के बिना तो हम वीडियो ख़त्म कर ही नहीं सकते। तो मैंने इनसे मंगवा ली है एक ब्राउनी विद आइसक्रीम, जो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है, मतलब सभी चीज़ों में सबसे ज़्यादा अच्छी तो यही लग रही है। इस पर एक बार देखो ज़रा, इसको उन्होंने चेरी से और मिंट से टॉप किया है, बहुत ही बढ़िया कलर्स लग रहे हैं इस पर। तो इसको अभी टेस्ट करके देखते हैं, वरना ये फटाफट से मेल्ट हो जाएगी, ऑलरेडी मेल्ट होने लग गई है। तो भाई बहुत ही बढ़िया लग रही है ये, सो लेट्स टेक अ बाइट ऑफ दिस। आई नो इसको देख के आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, तो अभी जाओ और वीडियो को लाइक करो और यहाँ के इसको ट्राई ज़रूर करना। ब्राउनी है, आइसक्रीम है, किसको अच्छी नहीं लगेगी है ना, एकदम ही गर्म गर्म ब्राउनी के साथ ठंडी ठंडी आइसक्रीम, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। बहुत ही फ्रेश ब्राउनी है, एकदम ही सॉफ्ट सॉफ्ट सी, एंड साथ में आपको मिल जाती है चेरी जो मुझे बहुत ही पसंद है। बहुत ही टेस्टी है, एक बाइट पे तो रुक ही नहीं सकते। अभी मैं आपको बताती हूँ, डाउनटाउन कैफे आके एक चीज़ तो आपको डिमसम्स और दूसरी है ब्राउनी विद आइसक्रीम, ये दोनों तो आपको लेने ही पड़ेंगे। ब्राउनी विद आइसक्रीम को तो सारे ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं, इतनी टेस्टी है ये, तो इसको तो डेफिनेटली ट्राई करना। अगर आप यहाँ पे आते हो तो मुझे इंस्टा स्टोरीज पे टैग ज़रूर करना, मैं आपको रीपोस्ट दूंगी अपनी एक स्टोरी पे, इस तरह हम कनेक्ट कर पाएंगे इंस्टाग्राम पे। एंड इसी से ज़्यादा मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको यहाँ पे कहीं स्क्रीन पे मिल जाएगा, फॉलो करो तो भी तो आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगी है ना। सो गाइस दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज जो जगह मैंने आपको दिखाई है वो आपको कैसी लगी और खाना कैसा लगा आपको देखने में बताना ज़रूर, और अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको ट्राई ज़रूर करना। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना,